उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल एवं इंटर का रिजल्ट आज घोषित हुआ है। इस रिजल्ट में कौशाम्बी जनपद की हाई स्कूल की एक छात्रा है जिनका नाम है अनुष्का सिंह और वो धर्मा देवी इंटर कॉलेज की छात्रा है। इस वक्त हम उसी छात्रा के पास हैं, वही विद्यालय कैंपस है जहां से उस छात्रा ने पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद इस विद्यालय का ही नहीं बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है, टॉप किया है। तो आइए सीधे हम छात्रा अनुष्का सिंह से बात करते हैं कि आखिर वो कितने घंटे पढ़ाई करती थी और इस पढ़ाई का इस जो अच्छे अंक पाकर उसने जिले का नाम रोशन किया है, अपने परिजनों का नाम रोशन किया है, तो किसको श्रेय देती हैं। अनुष्का, सबसे पहले तो बधाई हो आपको, आपने हाई स्कूल में टॉप किया है। अब आप ये बताइए कि कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? सर, मैं डेली 7 से 8 घंटे डेली पढ़ाई करती थी और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को, अपने बाबा को और प्रधानाचार्य जी को और गुरुजनों को देना चाहूंगी। और मेरा आप सभी लोगों से या मेरे बड़े भाई बहनों से ये मेरा संदेश है कि आप लोग भी मन लगा के पढ़ाई करें क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है और परिश्रम के द्वारा ही आप सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। तो अनुष्का, आप ये बताइए, आपका ये हाई स्कूल का रिजल्ट आया है, 9th और इससे पहले का क्या आपका परफॉर्मेंस रहा है? जी, ऐसा ही परफॉर्मेंस था, जैसे 10th में है वैसे 9th में भी मेरा ऐसे परफॉर्मेंस। आपके परिवार का बैकग्राउंड क्या है, पिताजी क्या करते हैं, घर में और कितने क्या सदस्य हैं? मेरे पिताजी पहले भारतीय सेना में थे, अब सीआईएसएफ में, और मेरी माता जो है वो हाउसवाइफ है और मेरे बाबा टीचर हैं। तो क्या आप आगे, ये जो आपने अभी तो ये हाई स्कूल की आपकी ये पहली सीढ़ी है, अभी आप इंटर हैं, इंटर के बाद और आगे जाएंगी, तो आगे क्या आपने सोच के रखा है कि क्या हम आगे बनेंगे, क्या तैयारी करेंगे? मुझे आगे सिविल सर्विस में जाना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। जी हाँ, ये अनुष्का सिंह थी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो पढ़ाई करती थी और इस पढ़ाई का श्रेय उन्होंने बताया कि अपने शिक्षकों, परिजनों, गुरुजनों को दिया। और सीधे हम बात करेंगे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं जिनके विद्यालय के और भी छात्र जो हैं टॉप किए हैं, और इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि ये विद्यालय जो है जनपद में काफी नाम रोशन कर चुका है, हर साल इस विद्यालय के छात्रों का अच्छा अंक आता है। सर, बहुत बहुत बधाई हो, आपके विद्यालय की छात्रा ने और साथ ही साथ अन्य लोगों ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद आपको। इस सफलता का श्रेय मैं अपने यहाँ पढ़ाने वाले गुरुजनों को, शिक्षकों को देता हूँ जिन्होंने कठिन परिश्रम करके और बच्चों को पठन पाठन जो 8 पीरियड चलते हैं उसके बाद भी 2 घंटे निःशुल्क कोचिंग बच्चों को चलाकर जो उन्होंने अपना श्रेय दिया गुरुजनों ने, तो उसके कारण हम लोग इस मुकाम पर पहुँच सके। जी हाँ, ये कौशाम्बी के धर्मा देवी इंटर कॉलेज के शिक्षक थे और छात्राएं थीं, तो जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अपने बच्चों की तैयारी कराते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, और छात्रा ने भी बताया कि उसकी क्या रुचि है और उसने मैसेज भी यहाँ के अन्य बच्चों को दिया कि वो मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के बाद अपना और अपने परिजनों का, शिक्षकों का, बल्कि पूरे जनपद का नाम प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व में रोशन करें। कौशाम्बी से अभिसार भारती, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आप